पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच, और दूसरे वनडे मैच में आया बाबर आजम के छक्कों और चौकों का ऐसा तूफान जिसने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच जो कि एडिलेड ओवल के मकाम पर खेला गया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर दूसरा वनडे मैच अपने नाम कर लिया। दूसरे वनडे मैच में बाबर आजम की तबाहकुन सेंचुरी और भारतीय मीडिया बाबर आजम की तारीफों के पुल बांधने लगा। भारतीय मीडिया का बाबर आजम के बारे में क्या रिएक्शन है और बाबर आजम की दूसरे वनडे मैच में कम्प्लीट बैटिंग हाईलाइट्स आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन पुश कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वक्त पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान तीन वनडे मैच पर मुश्तमिल सीरीज खेली जा रही है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पहला वनडे मैच सनसनी खेज मैच के बाद दो विकेट से अपने नाम कर लिया था। लेकिन अब भारत की दूसरे वनडे मैच की जो कि एडिलेड ओवल के मकाम पर खेला गया, पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करवाने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी बॉल्स ने जकड़ लिया। काफ़ी शानदार बॉलिंग की शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने, दोनों ने चार चार खिलाड़ियों को आउट किया जबकि एक विकेट अराफत मिहास और एक विकेट नसीम शाह के खाते में आई। ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ और सिर्फ 256 रन बोर्ड पर स्कोर कर पाई पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में और पाकिस्तान को टारगेट मिला 257 रन का। एक बार फिर से अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब चलते बने जबकि मोहम्मद रिजवान को भी हैजलवुड ने जल्दी आउट कर दिया था। बाबर आजम ने काफ़ी शानदार बैटिंग की और ग्राउंड के चारों तरफ छक्कों और चौकों की बरसात कर डाली। बाबर आजम ने तीन छक्कों और 12 चौकों की मदद से यह सेंचुरी अपने नाम की और बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ 114 गेंदों का सामना किया और 126 रन बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे मैच में फतह दिला दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वनडे मैच चार विकेट से जीतने में कामयाब हुई और बाबर आजम की बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस सीरीज को एक से बराबर करने में कामयाब हुई। तो फ्रेंड्स, आपको बाबर आजम की बैटिंग कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।